हेलो जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सब? आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, तुअर दाने निकाल रहा हूँ, फ्रेश वाले, ठीक है ना, जिसकी आप दाल खाते हैं वो, ये दाने निकल रहे हैं, बढ़िया। अब इसकी सब्जी अगर बनाई जाए तो भाई मजा आ जाए ना, दाल तो बनाते ही, फ्रेश दानों की सब्जी, उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताऊँ। बहुत सिंपल, एकदम हेल्दी वाली सब्जी बनाएंगे, सैलेड के रूप में खाइए, सब्जी के रूप में खाइए, यानी सूखी सब्जी के रूप में खाइए, मज़ा उतना आएगा। तो तुअर की सूखी सब्जी बना रहा हूँ बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। क्या करना है, हेलो जी, तेल, थोड़ा सा तेल गरम कर लेते हैं और पिटारे में से जीरा ले लेते हैं आधा छोटा चम्मच, क्योंकि तुअर के दाने जो है वो आधा कप है मेरे पास, आधा कप से थोड़े से ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा जीरा नहीं ले रहा, इसको गर्म होने देते हैं। तो ऐसी जो चीजें मिलती हैं वो शेयर करें जो यूनिक है, आपके घर में वो रेसिपी बनती थी अब नहीं बनती, ऐसी कौन सी रेसिपी है? तो ये तो मैं अपने अंदाज वाली रेसिपी बना रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंप्लीफाई कर दूंगा ना अगर मैं रेसिपी को तो सब लोग बनाएंगे, और कॉम्प्लेक्सिटी या ओरिजिनल ऑथेंटिक रखेंगे तो बहुत लोग नहीं बनाएंगे। तुअर के दाने नॉर्मली अर्बन जगहों पे भी मिलते हैं, ठीक है ना, लोग समझते हैं कि अरे ये तो दाल है, ये दानों का क्या करें। अब मैं बता रहा हूँ, तो अगर मिल रहे हैं तो बना के खाइएगा। यहाँ जीरा मुझे बुला रहा है, आ जाइए, कम कम। तो जीरे के साथ थोड़ा सा हींग डाल लेते हैं, बढ़िया क्वालिटी की हींग यूज कर रहा हूं मैं, थोड़ी सी हींग डाल ली। अब अदरक अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड करें, हरी मिर्चें ये भी डाल लेंगे, तो लगभग एक एक छोटा चम्मच हरी मिर्चें, अदरक सॉफ्ट डाल लें, अदरक थोड़ा सा ज़्यादा है एक छोटे चम्मच से, तो डेढ़ छोटा चम्मच समझिए। तुअर के दाने ये लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, इनको लेते हैं। अच्छा, ये दाने मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, मुझे लगता है कि अपने आप में ये कच्चे ही इतने सुंदर होते हैं, पूछिए मत, इसलिए इनको ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, हल्का सा नमक डाल लूँगा, जितनी क्वांटिटी उसके हिसाब से, नमक शमक धीरे से कर लीजिए। पिटारा, पिटारा लेते हैं, पिटारा ले लिया और पिटारे में से आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल लें, आमचूर डाल लें आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चौथाई छोटा चम्मच, गरम मसाला एक चौथाई छोटा चम्मच, बस इतना ही डालना है और इसको मिक्स करें। बहुत बढ़िया, एक मिनट तक भुने मसालों को, उसके बाद मैं क्या करूंगा, पानी डाल देता हूं थोड़ा सा, ये लीजिए एक चौथाई कप पानी, और इनको उबाल लेता हूं ये, और ड्राई करने तक इसको रखेंगे ऐसे, ठीक है, ढक के पकाना, ढक के भी पका सकते हैं। तब तक हरा धनिया, सर्दियों का मौसम है तो हरा धनिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसी सब्जियों में ढेर सारा हरा धनिया डालें, मोटा मोटा काट के डालें, ये लीजिए, वाह, अब ये देखिए तुअर के दाने बढ़िया पक गए हैं, एकदम तो नहीं पके होंगे, 50% के ऊपर पक गए हैं, और मुझे ऐसे ही चाहिए, आई डोंट वांट कि पूरे पके, लेकिन अगर आप ड्राई कर लेंगे इस सब्जी को, ये देखिए ऑलमोस्ट अब ड्राई होने को आ गई है, ऐसे में मैं नारियल डालूंगा, फ्रेश नारियल एक चौथाई कप डाल लीजिए, ये लीजिए, और इसके साथ साथ धनिया हरा वाला जो चॉप किया था वो डाल लें, अब मिक्स कर लें। वाह क्या बात है, बंद कर लेते हैं, तैयार हो गई ये सब्जी, देखिए कितनी सरल है,
लेकिन लास्ट में नींबू का रस थोड़ा सा, ज़्यादा मत डालिएगा, एक चौथाई नींबू स्क्वीज करके डाल लें, परोसने के लिए बढ़िया सी प्लेट। और ये लीजिए भाई, तुअर दाने और नारियल की सब्जी सूखी वाली, इतनी मजेदार है, पूछिए मत। कैसे खाएंगे, सूखी रोटी मिल जाए ना, लाइफ सेट हो जाएगी। बिल्कुल बढ़िया उमदा किस्म की विंटर रेसिपीज आपके लिए, बनाइए विंटर इसके पहले खत्म हो जाए और ये सब्जियां आपको न मिले अगले 11 महीने तक, पछताएंगे भाई साहब। अब मिल रही है और मैंने बताइए, बना के खाइए।